अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर पदयात्रा पर निकले दिव्यांगों के बीच आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पहुंचे और उन्होंने सभी दिव्यांगों से चर्चा की और उन्हें आश्वासन दिया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी सभी समस्याओं का शीघ्र निराकरण कराएंगे। इस अवसर पर दिव्यांगजनों ने अपना आंदोलन 3 माह के लिए स्थगित कर दिया और उन्होंने मंत्री जी से कहा कि अगर 3 माह में उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होती है तो पुनः आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह आंदोलन आया है, इसीलिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर वह इसके बीच आए हैं और इनकी जो मांगे हैं वह मुख्यमंत्री जी से मिलकर शीघ्र अतिशीघ्र कराएंगे। वहीं पंचायत एवं विकास ग्रामीण मंत्री श्री सिसोदिया ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के कोरोना पॉजिटिव आने पर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। आपको ज्ञापन भी सौंपा है, इनकी मांगों की क्या विशेषकर मांगे क्या हैं? देखिए, इन्होंने जो दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं इनके द्वारा एक पदयात्रा निकाला गया था, उनकी 16 सूत्रीय मांग है जिसको आज उन्होंने माननीय मंत्री को हाथ में सौंपा था। एंड इसको ये जो भी उनके पॉइंट्स हैं सारे शासन लेवल के जो पॉइंट्स हैं तो उसको मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, उसको गवर्नमेंट लेवल पर लेके जाएंगे, उसको डिस्कशन करेंगे और जैसे आगे कार्रवाई होगी उनसे हमको अवगत कराएंगे। को अपनी पदयात्रा 16 दिनों की मांगों को लेकर रखी हुई थी, फिलहाल 8 किलोमीटर चले थे, हालत खराब थी, क्या आश्वासन दिया सरकार के आपके माध्यम? आज मैंने इन सबसे बात की है और निश्चित रूप से इनकी मांगों पे हम विचार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी दिव्यांगों को लेकर बहुत ही उनका हृदय जो है इनके लिए भरा हुआ रहता है और इनको मदद करने का पूरा उनके दिल के अंदर पूरा जज्बा है और उन्होंने ही मुझे आदेशित करके आज यहाँ भेजा है। इन सबके बीच में इनका ज्ञापन मैंने ले लिया है, आंदोलन स्थगित किया है 3 माह के लिए और इस तीन माह के अंदर हम इनकी मांगों पर जो नियम कायदे सब देखकर कौन सी मांगें पूरी की जा सकती है।